आरपीएससी एएन मुख्य परीक्षा 2019 में ब्रांच वाइज कितने कैंडिडेट उपस्थित हुए, इस वीडियो में हम ये बात करेंगे। हिंदी की यदि हम बात करें तो टोटल 15,292 कैंडिडेट को बुलाया गया था, जिनमें से प्रेजेंट रहे 12,029, बोले तो 78.66% उपस्थिति रही, जबकि अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों की संख्या थी 3,263। इसके बाद द्वितीय पारी में जो पेपर हुआ वो था सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग का, इसमें भी 15,292 कैंडिडेट को आरपीएससी ने बुलाया था, उनमें से 11,992 कैंडिडेट उपस्थित हुए। इसको यदि हम बात करें तो 78.32% प्रेजेंट रहे, बाकी एबसेंट रहने वाले कैंडिडेट्स की संख्या है यहाँ पर 3,300 कैंडिडेट उस दिन उपस्थित नहीं हो पाए। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की यदि बात करें तो टोटल 1,075 कैंडिडेट को बुलाया गया था, जिसमें प्रेजेंट होने वाले कैंडिडेट हैं 790, बोले तो 73.49% प्रेजेंट रहे और एबसेंट रहने वालों की संख्या है 285। तो ये था मैकेनिकल इंजीनियर पेपर फर्स्ट के लिए, जो सुबह वाला जो पेपर था। अब हम बात करें मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ही दूसरा पेपर जो शाम की पारी में था, तो उसमें भी 1,075 कैंडिडेट को उपस्थित होना था, जिनमें से मात्र 786 कैंडिडेट ही उपस्थित हो पाए, मतलब और अनुपस्थित हो गए, और इसमें प्रेजेंस रही अपने 73.12%। एब्सेंट रहने वाले कैंडिडेट्स की संख्या यहाँ पर बढ़कर हो गई 289। तो दोस्तों ये थी मैकेनिकल इंजीनियरिंग सेकेंड पेपर की बात। अब हम इसमें आगे बात मैं आपको बताऊँ कि ये एक दिन में दो दो पेपर हैं, तो फर्स्ट और सेकेंड करके मैं आपको ये बता रहा हूँ। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर फर्स्ट और सेकंड की बात एक साथ ही कर लेते हैं। तो इसमें टोटल 441 कैंडिडेट को बुलाया गया था और दोनों पेपर में उपस्थिति सेम रही, मतलब 325 कैंडिडेट उपस्थित हुए और एबसेंट रहने वाले कैंडिडेट्स की संख्या थी 116, 73.70% यहाँ पर रहे। सिविल इंजीनियरिंग की अब बात करें खासकर, तो उसमें बताऊँ मैं 13,751 कैंडिडेट को बुलाया गया था, जिनमें से प्रेजेंट रहे 10,800, बोले तो 78.54% ये उपस्थिति रही। एब्सेंट रहने वाले जो कैंडिडेट थे वो थे लगभग 3,000, यदि हम एक्चुअली बात करें तो 2,951 कैंडिडेट सिविल इंजीनियरिंग पेपर फर्स्ट में अनुपस्थित रहे। ये संख्या बढ़कर और बढ़ जाती है सेकंड पेपर में, जिनका पहला पेपर अच्छा नहीं हुआ था सिविल इंजीनियरिंग का, वो सेकंड पेपर देने ही नहीं पहुँचे। तो सेकंड पेपर की यदि हम बात करें तो सेकंड पेपर में एबसेंट रहने वाले हो गए 3,037, जबकि प्रेजेंट रहे 10,714। यहाँ पर टोटल जो कैंडिडेट थे वो भी सेम ही थे 13,751, लेकिन यहाँ पर हम प्रेजेंट की यदि बात करें तो 77.91 मतलब 77.91% यहाँ पर उपस्थित हुए। तो ये सिविल इंजीनियरिंग पेपर फर्स्ट और सेकंड की बात थी। खासकर ये एग्ज़ाम मुख्यतः सिविल इंजीनियरिंग पे बेस्ड था, क्योंकि सबसे ज़्यादा वैकेंसी सिविल इंजीनियरिंग की थी, लेकिन फिर भी अभी हम आगे बात कर लें इसमें एग्रीकल्चर की। तो एग्रीकल्चर में पेपर फर्स्ट और सेकंड में टोटल 34 कैंडिडेटों को उपस्थित होना था, जिनमें से 28 प्रेजेंट रहे और 6 एबसेंट रहे, मतलब जो पेपर फर्स्ट में आए वो सेकेंड में भी आए। और जबकि सिविल इंजीनियरिंग में क्या हुआ कि पेपर फर्स्ट में तो जो ज़्यादा लोग आए थे उनमें से जिनका पेपर फर्स्ट अच्छा नहीं हो सेकंड देना ही नहीं है। तो दोस्तों ये था एक डाटा जो आरपीएससी की तरफ से उपलब्ध करवाया गया था, और आप इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने प्रतिशत विद्यार्थियों ने एग्ज़ाम को दिया है। तो दोस्तों उम्मीद ऐसे ही और महत्वपूर्ण वीडियोज़ के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो या काम का लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर